तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब स्क्रीन अवार्ड्स पे आई हूँ तो सब्जियां बेचने तो नहीं आई हूँ ना? अरे आप जैसी लड़कियां सब्जियां बेचना शुरू कर दे तो हम सब्जी वाले ना बन जाएं। और सोनाली जी कैसी हैं आप? आप भूल गई थी अवार्ड है, आपको लगा जागरण है शायद। अच्छा, एनीवे इनफ। मैं तेरे दोनों बातों का जवाब देता हूँ। लड़कियों का कद इंडस्ट्री में कितना ऊंचा है और उनकी आवाज कितनी बुलंद है। प्लीज वेलकम माई टैलेंटेड फ्रेंड द सुप्रीमली अमेजिंग फारा खान। ये तो आपने ऑलमोस्ट आदमी को ही बुला लिया सर। हाय फारा मैम। हाय शिल्पा। हाय कपिल, जरा पास आइए। अरे आ जाते हैं, राज कुंद्रा तो नहीं आसपास? हाउ आर यू? हाउ आर यू कपिल? वेरी गुड। आई एम वेरी गुड। और पास। अरे कितना पास आए बताइए, मैं घर अवार्ड के बाद घर तक छोड़ के आता हूँ। हाय कपिल, वैसे मेरे बारे में क्या बोल रहे थे तुम? अरे आई लाइक योर हेयर स्टाइल साजिद। और जो लड़कियां रणवीर को देख के अपने मोबाइल ऊपर कर रही हैं, जिनके मोबाइल में कैमराज हैं वो तो ठीक है, जिनके कैमराज नहीं भी वो क्यों ऊपर कर रही हैं? आपकी जनरेशन का सही था, स्क्रीन पे कोई गलत काम करना ही नहीं। एक सेकंड, क्या जनरेशन क्या बोल रहा है? ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जनरेशन का आदमी हूँ। सैगल साथ के साथ काम किया मैंने, पता है मेरी दाढ़ी का एक भी बाल सफेद नहीं है, वो तो आप होने नहीं देते ना। वैसे शाहरुख भाई, ये फिल्म चलाना किसके हाथ में होता है? प्रोजेक्शनिस्ट के हाथ में होता है। अब ये टीवी वालों को मैं फिल्म की बात क्या सुनाऊं, टीवी से आए हुए लोग इनको क्या समझे फिल्मों की। अच्छा मतलब आपने तो शुरुआत बड़ा टाइटैनिक से की थी ना। ऋषि सर आप लेजेंड है हमारी इंडस्ट्री में, आपने इतने रोमांटिक गाने उन पे परफॉर्म किया, अगर नीतू जी के लिए आज कोई गाना डेडिकेट करना हो तो आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे उनको? पहले डेडिकेट किस बात की करूं? वैसे ही सर बीवी है आपकी, कर दो। मैं गाना गाता खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। क्या बात है सर, ये है बात। अगर इश्क या प्यार करना है तो खुल्लम खुल्ला करो। तो फिर आपने ये क्यों कहा था कि हम तुम कमरे में बंद हो चाबी खो जाए? चल भाई, बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है। ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं उनको देख के तो नहीं रखी आपने? भाई अगर आप सेट पे कोई रोमांटिक सीन शूट कर रहे हैं, हीरोइन को आपने बाहों में लिया हुआ है, कभी कभी नहीं भी होता शायद, कुरियर हमें आप ले लेते हैं, मतलब ठीक है।